खुदावंद तबारक व तआला का इरशाद है अपने हबीब से कि ऐ मेरे हबीब कह दो कि मैं तुमसे अपनी रिसालत की कोई भी उजरत किसी भी किस्म की तलब नहीं करता मगर यह कि मेरे क़ुरबा से मवद्दत करो। खुदावंद तबारक व तआला का शुक्र है कि उसने हमें उन लोगों में से करार दिया कि जो क़ुरबा रसूलल्लाह की मवद्दत के जरिए रसूल अल्लाह की रिसालत की उजरत को अदा करते हैं, यानी हम वो हैं कि जिन्होंने इस्लाम लिया तो बेहुक्म खुदावंद तबारक व तआला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की उजरत को पहले अदा किया। लिहाजा हमारे पास जो इस्लाम है तो उसके बारे में कहा जा सकता है कि ये हलाल तरीके से हासिल किया है, क्योंकि हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की उजरत को अदा किया। और ये रिसालत की उजरत दिरहम या दीनार या जरो जवाहिर या दुनिया की कोई चीज नहीं है, ये रिसालत की उजरत है मवद्दत क़ुरब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये तो था तर्जुमा उस आए करीमा का, उस आए शरीफा का कि जिसे सरनामे कलाम करार दिया। रसूल अल्लाह ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कत्ल हुसैन में मोमिनीन के कुलूब के लिए एक ऐसी हरारत और एक ऐसा जोश है जो कभी भी सर्द नहीं होगा। ये जो आज तमाम दुनिया में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और ये तैयारियां इस हद तक हैं कि दुनिया के बहुत से खित्तों में मोमिनीन तैयार हैं कि हमें इस मवद्दत क़ुरबा के जुर्म में और खुसूसन आजादारी इमाम हुसैन के जुर्म में कत्ल भी किया जा सकता है। ये नतीजा है इमाम हुसैन के उस खून मुकद्दस का कि जिसके लिए अशरफुल अंबिया ने फरमाया इन्न फी कत्ल हुसैन लहरारतन फी कुलूबिल मोमिनीन ला तबरदु, कि कत्ल हुसैन में मोमिनीन के कुलूब के लिए एक ऐसा जोश है जो कभी भी ठंडा नहीं होगा। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीने से निकले तो अपना एक वसीयतनामा अपने भाई जनाब मोहम्मद इब्ने हनफिया को दिया। अब तक तदरीजन खुतबे में हमने जिस आये शरीफा को सरनामे कलाम करार दिया और जो रिवायत अशरफुल अंबिया से पढ़ी उनके तर्जुमे आपके सामने इख्तिसार के साथ पेश किए, अब वो जुमला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कि जो आपने अपने वसीयतनामे में लिखा था। और उमूमन अय्याम अज़ा में इस वसीयतनामे के इस हिस्से की जानिब मैं हमेशा तवज्जो दिलाता हूं ताकि मजलिस में आने वालों को भी ये मालूम हो कि वो क्यों आए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत इस अम्र की है कि जो यहां बैठे उसे भी मालूम हो कि वो क्यों आया है। अलबत्ता जो यहां बैठता है वो आप ही लोग लाके बिठाते हैं, बस याद रखें अगर यहां से गुमराही होगी तो इसका हिसाब आप सबसे होगा। एक आम हमारे यहां तासुर खुसूसन इंडिया और पाकिस्तान में यह है कि जी मजलिस से अज़ा में इस्लाह की बातें और अमर बिल मारूफ ये मुनासिब नहीं अमल। लिहाजा आपको ताज्जुब होगा कि बहुत सारी दुनिया भर की इमाम बारगाहों में इस्लामिक सेंटर्स में उलमा और खुतबा की और जाकरीन की सीरीज देखी जाती हैं और इस नियत से देखी जाती हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अमर बिल मारूफ करते हों, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वाज और नसीहत करते हों। अब आप तसव्वुर करें कि इस किस्म के अफराद या इस किस्म के इदारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हदफ से कितना दूर हैं। थोड़ा सा फासला नहीं है,
पूरा 180 डिग्री का फासला है, क्योंकि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीने से निकल रहे थे तो अपना वसीयतनामा अपने भाई जनाब मोहम्मद इब्ने हनफिया, यह हनफिया इनकी वालदा खलकत था, लिहाजा बाज जगह तारीख में जनाब मोहम्मद इब्ने अली और बाज दफा ज्यादा मशहूर है मोहम्मद इब्ने हनफिया, और बाज जगह इन्हें कहा जाता है मोहम्मद अकबर, क्योंकि मौला अमीर उल मोमिनीन के और भी फर्जंद थे जिनका नाम था मोहम्मद, उनमें से ये बड़े थे मोहम्मद अकबर। हत्ता उम्र के एतबार से ये हजरत अब्बास और दीगर भाइयों से बड़े थे ये, और खुद इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जमाने में इनका बहुत ज्यादा एहतराम था। इसी तरह से जंगिस सिफीन में भी ये रहे और जबल में भी रहे, और इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद जब उनके जिस्म अथर पर तीर चले और जब दफन का मौका आया तो उस वक्त भी जनाब मोहम्मद इब्ने अली बढ़ चढ़कर बोल रहे थे, लिहाजा तारीख में हजरत आयशा की जानिब से भी उन्हें मुखातब करने का जिक्र है कि ए मोहम्मद तुम्हारा क्या काम बनी फातिमा से, जिस पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और कहा कि कौन होता है इन्हें बनी फातिमा से जुदा करने वाला, और फिर तवज्जो दिलाई कि ये भी फातिमा की नस्ल से हैं, और कहा कि ये फातिमा की नस्ल से हैं, हां यानी फातिमा बिनते असद की नस्ल से हैं और फातिमा मखज़ूमिया की नस्ल से हैं। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी अपना वसीयतनामा जनाब मोहम्मद इब्ने हनफिया के हवाले किया, और इस वसीयतनामे में तवज्जो दिलाई कि क्यों मदीने से निकल रहे हैं और हदफ क्या है। अगर ये वसीयतनामा हमारे इंडिया पाकिस्तान में एनवेलप से बाहर आ जाता तो आज मिंबर इमाम हुसैन का यह हाल न होता कि बड़े आराम से कहा जाता है कि मिंबर अमर बिल मारूफ की जगह नहीं है। इमाम फरमाते हैं इन्नी लम अखरुज अशरन वला बतरन वला मुफसदन वला जालिमा, कि मैं अकड़ तकब्बुर फिसाद या जुल्म के लिए मदीने से नहीं निकला, इन्नमा खरज तो मैं सिर्फ और सिर्फ निकला हूं किस लिए, लतलब इस्लाह फी उम्मत जद्दी रसूलल्लाह, मैं सिर्फ और सिर्फ निकला हूं अपने जद रसूलल्लाह की उम्मत की इस्लाह के लिए। ये नंबर एक। अब या तो ये तसव्वुर करें कि पांच हदफ थे इमाम हुसैन के, या ये तसव्वुर करें कि हदफ तो एक था लेकिन इस हदफ तक पहुंचने के लिए चार तरीके थे या चार चीजें थी इस हदफ तक पहुंचने के लिए। बस ये भी कहा जा सकता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पांच हदफ थे, और ये भी कहा जा सकता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हदफ एक था और उस हदफ को हासिल करने के लिए चार चीजें थी। लिहाजा फरमाते हैं इन्नमा खरज तो लतलब इस्लाह फी उम्मत जद्दी रसूलल्लाह, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने जद रसूलल्लाह की उम्मत की इस्लाह के लिए निकला। लेकिन आज हमारे यहां बाज़ गुफ्तगू होती है कि मजलिस को इस्लाह की जगह है। अब आप तसव्वुर करेंगे अगर मजलिस इस्लाह की जगह नहीं है तो फिर कौन सी इस्लाह की जगह होगी। बस हदफ अव्वल इस्लाह उम्मत इमाम हुसैन। उरीदु अन आमुरा बिल मारूफ, मैं चाहता हूं कि आमर बिल मारूफ करूं, व अनहा अनिल मुनकर, मैं चाहता हूं कि नहीं अनिल मुनकर करूं। आमर बिल मारूफ यानी नेकी और अच्छाई की जानिब दावत दूं, मैं नहीं अनिल मुनकर यानी बुराई से रोकूं। बस इमाम हुसैन मदीने से क्यों निकले, उसका हदफ क्या था। उरीदु अन आमुरा बिल मारूफ, मैं चाहता हूं कि अमर बिल मारूफ करूं, व अनहा अनिल मुनकर, मैं चाहता हूं कि नहीं अनिल मुनकर करूं। वासीर वसीरत जद्दी रसूलल्लाह व अबी अली इब्ने अबी तालिब, और मैं चाहता हूं कि अपने जद रसूलल्लाह और अपने वालिद अली इब्ने अबी तालिब की सीरत पर अमल करूं। सलावत पढ़े बर मोहम्मद व आल मोहम्मद। अब ये पांच हदफ थे, या ये कि हदफ एक था इस्लाह उम्मत, और इस्लाह उम्मत का दारो मदार है किस पे, अमर बिल मारूफ नहीं अल मुनकर, सीरत रसूलल्लाह और सीरत मौला अमीरुल मोमिनीन पर। सीरत मौला अमीरुल मोमिनीन से क्या मुराद,
कि यहां पर इमाम हुसैन ने क्लियर कर दिया कि बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए जो हुज्जत है वो सीरत मौला अमीरुल मोमिनीन है, और सीरत मौला अमीरुल मोमिनीन से मुराद यानी सीरत आइम्मा इस्ना अशर यानी 12 आइम्मा की सीरत। बस इस्लाह कैसे मिलेगी? अमर बिल मारूफ नहीं अल मुनकर, अमर बिल मारूफ और नहीं अल मुनकर के बेसिस क्या होने चाहिए? सीरत रसूल अल्लाह और सीरत मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। अब इत्तफाक से हमने अपनी वेबसाइट में भी इस वसीयतनामे के हिस्से को वॉलपेपर के तौर पे जो है वो अपलोड किया हुआ है, और इत्तफाक से हमारे जहन में भी था कि इसको बनवा के ला के दें, जहां भी जाएं इमाम बारगाह में दें। तो बाद दफा हम यही कहते हैं जब इमाम बारगाह बने तो अगर उसके बाहर वाकई ये लिखा हो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं सिर्फ और सिर्फ मदीना से निकला हूं किस चीज के लिए? इस्लाह उम्मत के लिए, ताकि पता चले कि इमाम बारगाह जो जिक्र इमाम हुसैन के लिए जगह बनी है तो इमाम हुसैन का हदफ क्या था? इमाम हुसैन का हदफ था इस्लाह उम्मत, अमर बिल मारूफ नहीं अल मुनकर, सीरत रसूल अल्लाह और सीरत मौला अमीरुल मोमिनीन। और हकीकत यह है कि यह वसीयतनामा इतना ज्यादा मजलूम है कि उमूमन मोमिनीन इस वसीयतनामे के बारे में नहीं जानते, और यह वसीयतनामा हम तकरीबन हर पहली मजलिस में जाने तवज्जो दिलाते हैं कि यहां भी लिखा होना चाहिए पीछे, ताकि इधर बैठने वालों को पता चले कि ये महफिल किसकी है और उनका हदफ क्या था। और यही वसीयतनामा एक सामने भी लगना चाहिए ताकि इधर बैठे हुए शख्स को भी पता हो कि वो किसका जिक्र कर रहा है और जिनका जिक्र कर रहा है उनका हदफ क्या था। तो एक बहुत बड़ी तादाद हमारे यहां इस बात से बिल्कुल आशना नहीं है कि हदफ इमाम हुसैन था क्या, और जब तक हदफ इमाम हुसैन क्लियर ना हो उस वक्त तक आजादारी का हदफ भी क्लियर नहीं हो पाएगा। मुहर्रम से पहले यानी आज और मुहर्रम के बाद यानी तकरीबन 9 रबीउल अव्वल को एक हिसाब लगाना चाहिए, बस आज से एक हिसाब किताब शुरू किया जाए। वो ये कि देखा जाए कि आज इस वक्त तक उस दीन के बारे में कि जिस दीन के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने आप को कुर्बान किया, बस सवाल किया जाए कि इमाम हुसैन ने अपने आप को कुर्बान किया, जवाब मिलेगा हां। किस चीज के लिए? दीन को बचाने के लिए। दीन किसके लिए बचाया? बचा, हां बचा। किसके लिए बचाया? घोड़ों के लिए, गधों के लिए, जंगल के जानवरों के लिए दीन बचाया? जवाब मिलेगा इंसानों के लिए। बस उस दीन का हम क्या करें? एक खूबसूरत सा पेंडुलम बनाए सोने का और चांदी का, और मिसाल के तौर पे प्लेटिनम का या व्हाइट गोल्ड का, उसमें खूब डायमंड वायमंड लगवा के उसमें दीन लिख दें और उस दीन को अपने सीने से लगा लें। इसलिए बचाया था? जवाब मिलेगा नहीं। उस दीन पर अमल करें। बस अगर कोई कहता है कि दीन पर अमल नहीं हो सकता तो वो इनडायरेक्ट वे में ये कहना चाहता है कि जिस दीन के लिए इमाम हुसैन ने अपने आप को कुर्बान किया वो माजल्ला बेकार चीज थी, प्रैक्टिकल के काबिल नहीं थी। वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया माजल्ला उस चीज के पीछे के जो काम की नहीं है। बस 9 रबीउल अव्वल को यह सवाल किया जाए कि इस साल हमने उस दीन के लिए कि जिस दीन के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने आप को कुर्बान किया हमने कितना जाना, क्योंकि दीन की कदर कीमत के लिए इतना कह देना काफी है कि यह दीन हजरत आदम से लेकर हजरत खातम तक अंबिया लाए, इस दीन की हिफाजत के लिए खुदावंद तबारक व तआला ने आइम्मा इस्ना अशर को मुंतखब फरमाया, इस दीन की हिफाजत के लिए आइम्मा अलैहिस्सलाम ने और खुसूसन इमाम हुसैन ने अपने आप को, अपनी आल को, अपनी औलाद को, अपने भाइयों को, अपने भतीजों को, अपने भांजों को, हत्ता अपनी बहनों की चादरों को कुर्बान किया। ये दीन इतना कीमती है। बस उस दीन के बारे में हमने क्या जाना? ये सवाल हमें करना चाहिए 9 या 10 रबीउल अव्वल को, ताकि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने ये कह सकें कि जिसके लिए आपने इतना एहतमाम किया उसे हमने इतना जाना इस दफा।
तो मजलिस का सबसे अहम हदफ यही है।